हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है नेमत। आज की रेसिपी है चिकन करी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, वेलवेटी टेक्सचर वाला चिकन करी, जिसे खाने के लिए आप अक्सर रेस्टोरेंट जाते हैं। तो अब आप इसे अपने घर में बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून खरबूजे का बीज, कुछ काजू और लौंग और इलायची लिया है। इन सारी चीज़ों को पानी देकर मिक्सी के पॉट में बारीक पीस लेना है। छोटी क्वांटिटी कभी कभी मिक्सी के पॉट में बारीक नहीं हो पाता, तो इसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा पेस्ट बनाएं या इसे छलनी से छानकर स्मूथ कर लें। यहाँ पर मेरे पास 1 kg चिकन है, जिसे मैंने धोकर और छानकर रख लिया था। फिर इसमें 3 टेबल स्पून दही और 1 टीस्पून हल्दी लगाकर मैंने इसे रात भर फ्रिज के रैक पर रहने दिया था। दही चिकन का टेंडराइज़र होता है और हल्दी से इसमें जो बुरी सी स्मेल होती है, जो इसकी बिसांद होती है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसे मैरिनेट करके रखने से चिकन अच्छा बनता है। अब 2 मीडियम साइज़ प्याज को और 1 बड़े साइज़ टमाटर को चॉप करके रख लें। एक थिक बॉटम्ड कढ़ाही में 1 टेबल स्पून घी डालें। आप चाहें तो यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल या मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही घी गर्म हो जाए, इसमें एक दालचीनी डालकर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसमें डाल दें। हमें चिकन को फ्राई करना है तो फ्लेम तेज़ रखें, चिकन को अलग अलग रखें और इसे तेज़ फ्लेम पर फ्राई करें। बस कोशिश ये करना है कि चिकन अपने सारे जूसेस बहुत फास्ट रिलीज़ कर दें, ये पक कर ज़्यादा चुई ना होने पाए। तो हमें इसकी आउटर लेयर को थोड़ा ब्राउन करना है ताकि करी में डालने पर ये एक्स्ट्रा टेस्टी बने। मैंने चिकन को बहुत तेज़ी से उलट पलट कर ब्राउन कर लिया है। अब इस चिकन को एक तरफ रख दें और ठंडा होने दें। एक दूसरी कढ़ाही लें, वो भी मोटे तेंदे वाली हो। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा लाइट पिंक कर लें। पाउडर मसाले में मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक लिया है। तो इन सारे मसाले को एक तरफ रख दें। अब प्याज हमारा पिंक हो चला है, तो यहाँ पर हमने जो चॉप टमाटर किया था वो डाल दें। और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून टमाटो प्योरी भी इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इसे भूनते हुए हमें इसे सौंधा कर लेना है। अब सारे पाउडर मसाले को भी यहीं पर डाल देना है और इसे भी टमाटर और प्याज के साथ भून लेना है। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालते रहें ताकि मसाला जलने ना पाए। और इस प्रोसेस को लगभग 10 से 12 मिनट तक करना है। फिर यहीं पर हमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है। अब इन लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हमें मसाले को भूनते जाना है, यानी भूनने की प्रोसेस लगातार चलती रहेगी और बीच में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें पानी डालते जाना है। इस तरह से इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर लें ताकि मसाला सौंधा हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मसाला काफ़ी हद तक लाल हो चुका है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि यहाँ पर थोड़ी सी तरी हो जाए, क्योंकि अब वक्त है इस करी में चिकन शामिल करने का। तो यहाँ पर डालें फ्राई किया हुआ चिकन और अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ थोड़ी देर तक भूनना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखें कि अगर आपको तेज़ी से इसे पकाना है और आप ज़्यादा झंझट मोल लेना नहीं चाहते तो चिकन को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। आप मैरिनेट चिकन को यहाँ पर करी में सीधे डाल सकते हैं। अब जो खरबूजे के बीज और काजू से हमने पेस्ट तैयार किया था उसे यहाँ पर डालें। इसे डालते ही चिकन का टेस्ट और टेक्सचर दोनों बदल जाता है और ये काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाता है। अब यहाँ पर हरी मिर्च डालें, कुछ धनिया की पत्ती और 1-2 चुटकी गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसे थोड़ी देर तक उलट पलट कर चलाएं। मसालों के साथ चिकन को सिमर होने दें। अब इसी जगह हमें चिकन के गलने के लिए पानी भी डालना है
और पानी इतना डालना है कि चिकन गल जाए और हमारी पसंद के हिसाब से इसमें थोड़ा करी भी रहे। तो इसमें पानी डाल दें और 10 से 12 मिनट तक धीमे आंच पर इसको ढककर दम पर रहने दें। 10-12 मिनट के बाद आप जब ढक्कन खोलेंगे तो पता लगेगा कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि मसाले का टेक्सचर कैसा है। अब आप देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल मुंह में पानी लाने वाला है। और ये बटर नान, स्टफ्ड नान या किसी भी तरह की कुलचा नान पराठे के साथ खाने वाली ग्रेवी है। तो इसे आप बनाएं, खाएं और खिलाएं और फिर कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। परफेक्ट मेज़रमेंट और गरम मसाले की रेसिपी के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर ढेर सारी धनिया की पत्ती डालें, थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ें और अगर पसंद हो तो 2 क्यूब बटर की ज़रूर डालें। गर्मा गर्म मेहमानों के सामने सर्व करें। आप इस रेसिपी को कभी भूल नहीं पाएंगे और इसकी करी का लज्जत बरसों आपके ज़बान पर बना रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं। और अगर इस रेसिपी ने आपको खुश किया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।